Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about some of the MCQs questions of Fundamentals of Computers and Operating System Concept from the Chapter 1 of Digital Fluency subject of as per the NEP syllabus of Gulbarga University and other universities of the Karnataka. Let us start. The first question is, who is the father of computer? किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ए जेम्स गोसलिन, ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन सी डेनिस रिची, ऑप्शन डी बी जॉर्ने स्ट्रॉस्ट्रप. जेम्स गोसलिन इज डेवलप्ड जावा लैंग्वेज एंड डेनिस रिची डेवलप्ड सी लैंग्वेज, बी जॉर्ने स्ट्रॉस्ट्रप डेवलप्ड सी प्लस प्लस लैंग्वेज. So Charles Babbage is the right option. Option number B is the father of the computer. So computer ke pitamah bol ke hum Charles Babbage ko bolte hain. James Gosling ne Java ko banaya, Dennis Ritchie ne C ko banaya, B Jorne Strassup ne C++ language ko banaya tha. Is karan se option B sahi option hai. What is the full form of CPU? CPU ka full form kya hai? Option A computer processing unit, और ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, और ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ऑप्शन डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट. तो सीपीयू का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा सही है? सो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं. एक केंद्रीय घटक होता है जो सभी कामों को निभाता है, उस कारण से इसका नाम हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखा हुआ है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की भाषा को समझता है, यानी कि कंप्यूटर में अगर से कोई डेटा हम इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली सी लैंग्वेज, ऑप्शन बी कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली असेंबली लैंग्वेज, और इज इट ऑप्शन सी कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, और इज इट ऑप्शन डी कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बेसिक. क्या सी को समझता है, असेंबली लैंग्वेज को समझता है, या बाइनरी को समझता है, या बेसिक लैंग्वेज को समझता है? सो कंप्यूटर की भाषा होती है बाइनरी भाषा, यानी कि वो सिर्फ जीरो एंड वन को ही समझता है. यहाँ जीरो वन के वो कोई काम नहीं करता है, यानी कंप्यूटर की जो भाषा होगी वो होगी बाइनरी लैंग्वेज, यानी जीरो एंड वन बिट्स के ऊपर काम करता है. तो उस कारण से ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर के मतलब किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? इज इट ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ऑप्शन बी मेमोरी यूनिट, और ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो किसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, किसे ब्रेन माना जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? यानी इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण लक्षण नहीं है, हमें कौन सा गुण लक्षण नहीं है ये पता करना है. ऑप्शन ए वर्सेटाइलिटी, ऑप्शन बी एक्यूरेसी, ऑप्शन सी डिलीजेंस, और ऑप्शन डी आईक्यू. सो स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंसी, वर्सेटाइलिटी, स्टोरेज, ये सब तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं, मगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में हमने कभी आईक्यू को नहीं पढ़ा है. आईक्यू इंसानों से संबंधित होता है, राइट? सो इंटेलिजेंस क्वोशेंट, उस कारण से ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, आईक्यू इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटा इन अ कंप्यूटर?
इनमें से कौन सा सबसे छोटा यूनिट होता है डेटा का कंप्यूटर में? ऑप्शन ए, क्या वो बिट होगा? ऑप्शन बी, क्या वो केबी होगा? केबी यानी किलोबाइट। ऑप्शन सी, क्या वो निब्बल होगा? क्या ऑप्शन डी, बाइट होगा? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेटा इन अ कंप्यूटर इज बिट। बिट 0 और 1, हम 0 को भी बिट बोलते हैं, 1 को भी बिट बोलते हैं। केबी किलोबाइट होगा, 1024 बाइट, 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 KB होगा। निब्बल मीन्स 4 बिट्स इक्वल्स टू 1 निब्बल, बाइट यानी के 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट होगा। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? 0, 0 यानी के बिट हो गया। ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इन टू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट? यूजर के द्वारा डेटा लेने के बाद कंप्यूटर को जिस भाषा में कंप्यूटर समझता है, उस भाषा में कौन सा डिवाइस है जो डेटा को परिवर्तित करके कंप्यूटर को देता है? ऑप्शन ए, क्या वो आउटपुट यूनिट है? ऑप्शन बी, क्या वो इनपुट यूनिट है? ऑप्शन सी, क्या वो मेमोरी यूनिट होगा? क्या ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा? सो आउटपुट यूनिट इज नोवेयर कंसर्न टू रिसीविंग द डेटा, क्योंकि डेटा रिसीव की बात हो रही है, सो इट डजेंट रिसीव द डेटा। सो ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड। मेमोरी यूनिट इज यूज टू स्टोर द डेटा एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज यूज टू कैलकुलेट द रिसीव्ड डेटा। सो द डेटा इज रिसीव्ड एंड कन्वर्टेड, कन्वर्टिंग इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट इज नथिंग बट अ इनपुट यूनिट। सो दैट होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर? सो इनमें से हमें ये पता करना है कि कंप्यूटर का फिजिकल डिवाइस कौन सा है। इज इट ऑप्शन ए हार्डवेयर, और इज इट बी सॉफ्टवेयर, और इज इट सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इज इट डी पैकेज? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज। सो फिजिकल डिवाइस कंप्यूटर का इनमें से कौन सा है? सॉफ्टवेयर फिजिकल डिवाइस नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर को, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक सॉफ्टवेयर का ही एक अंग है, पैकेज भी उसका ही एक अंग है। यानी ए बी सी डी तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर विच वी कैन सी, टच एंड फील। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्राम्ड यूजिंग, पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स को किस लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्राम किया गया है? क्या वो असेंबली लैंग्वेज है? क्या वो मशीन लैंग्वेज है? क्या वो सोर्स कोड है? क्या वो ऑब्जेक्ट कोड है? सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर जनरेट होता है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, ये दोनों तो है ही नहीं। क्या वो लैंग्वेज असेंबली हो सकता है या मशीन? मशीन के बाद ही असेंबली लैंग्वेज बना, यानी पहले जनरेशन में तो मशीन लैंग्वेज सबसे पहले बना, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लेवल लैंग्वेजेस। सो मशीन लैंग्वेजेस, हेंस द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मशीन लैंग्वेज पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया गया और उन्हीं के द्वारा प्रोग्राम्ड किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिवैक इज डैश, वी नीड टू फाइंड द एब्रिवेशन ऑफ यूनिवैक। इज इट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवर्सल अरे कंप्यूटर, और यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इज इट ऑप्शन डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर? सो विच इज द राइट आंसर फॉर दिस? यूनिवैक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो पहला जो ऑप्शन है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये पहला ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन, एएलयू इज डैश, इज इट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इज इट अरे लॉजिक यूनिट, और इज इट एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, और नन ऑफ दीज? एएलयू, एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सो ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड इन एएलयू।
सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस को एएलयू परफॉर्म करता है। एएलयू का जो फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आई सी आर स्टैंड फॉर, एम आई सी आर का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कोड रीडर है, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, या मैग्नेटिक इंक केस रीडर है, या इनमें से कोई नहीं है? नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन फॉर एम आई सी आर इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, दैट इज ऑप्शन बी। थर्टींथ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। इनमें से हमें ये पता करना है कि कौन सा कंप्यूटर है जो ऑपरेशन के बेसिस के ऊपर इसका प्रकार या विभाजन नहीं हुआ है। क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स में, क्या वो रिमोट कंप्यूटर है, क्या वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, क्या वो एनालॉग है, क्या वो डिजिटल है? ओके, सो हम क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर जब पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर में काम के अनुसार हमने तीन विभाजन देखा है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड बोल के। मगर कहीं पे भी हमने रिमोट कंप्यूटर को नहीं देखा है। वी हैव नॉट सीन द रिमोट कंप्यूटर एज द टाइप ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑपरेशन। सो वी सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। एनालॉग एंड डिजिटल एंड हाइब्रिड्स आर देयर, बट देयर इज नो रिमोट कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। सो हेंस वी नीड टू फाइंड नॉट अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ऑप्शन ए, रिमोट कंप्यूटर इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। सो रिमोट कंप्यूटर एक सही ऑप्शन होगा, क्योंकि एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड तीनों प्रकार अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन में। 14th क्वेश्चन, दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज एंड हेंस आर वेरी पॉपुलर विथ ट्रैवलर्स। इस प्रकार के जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स बैटरी के ऊपर काम करते हैं और वो ट्रैवलर्स मतलब फ्रीक्वेंटली जो ट्रैवलर्स होते हैं उनमें ये बहुत पॉपुलर है। क्या वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, क्या वो लैपटॉप है, क्या वो माइक्रो प्रोसेसर है, क्या वो हाइब्रिड कंप्यूटर है? ऑब्वियसली जब हम ट्रैवल करते हैं और बैटरी के साथ इस्तेमाल होने वाला तो लैपटॉप ही है, ना ही मेन फ्रेम है, ना ही हाइब्रिड कंप्यूटर है, और माइक्रो प्रोसेसर तो चिप है। ठीक है, तो इन चारों में से सही ऑप्शन है बी। इज इट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। लैपटॉप ऑपरेट्स ऑन द बैटरीज एंड ट्रैवलर्स कैन टेक विथ देम फॉर वाइल ट्रैवलिंग, बट मेन फ्रेम एंड हाइब्रिड कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट एंड वी कैन नॉट टेक वेर एवर वी गो, राइट? एंड माइक्रो प्रोसेसर इज द चिप। सो हेंस ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? क्या वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या वो एक पर्सनल सॉफ्टवेयर है, क्या वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या ये सारे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन के कैटेगरी में नहीं आता है, ना ही पर्सनल सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या विंडोज नहीं है, क्या लिनक्स नहीं है, क्या ओरेकल नहीं है, क्या डॉस नहीं है? विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ओरेकल इज अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओरेकल एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मगर विंडोज, लिनक्स, डॉस तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, हमें पता करना है नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, डॉस है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल नहीं है। तो ऑप्शन सी
सही जवाब होगा। 17th क्वेश्चन, व्हेन वर द एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज्ड, कब एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रपोज किया गया, पहली बार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रपोज किया गया, क्या 1994 में, क्या 1990 में, क्या 1992 में, क्या 1985 में। व्हेन एमएस विंडोज वाज प्रपोज्ड, सो इट वाज प्रपोज्ड इन 1985 फर्स्ट टाइम, देयर आफ्टर सो मेनी वर्जंस वर रिलीज्ड, स्टार्टेड विद 3.x, 3.0, 3.x, वी हैव सीन लॉट ऑफ versions 95, 98, 2000, XP, NT, 2007, 2010, so many versions of Windows operating systems are there. So first time it was proposed in 1985, hence the option D is the right answer for this question. 18th question is, when you delete a file in your computer, where does it go? जब आप अपने computer के किसी भी file को delete करते हैं, तो वो file कहाँ जाता है? क्या वो रिसाइकल बिन में जाता है, क्या वो हार्ड डिस्क में जाता है, क्या वो टास्क बार में जाता है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। सो व्हेन यू डिलीट योर फाइल इन योर कंप्यूटर, इट विल गो इनटू द रिसाइकल बिन, राइट? सो ऑप्शन ए इज द राइट वन, क्योंकि रिसाइकल बिन में ही आपके डिलीट हुए हुए फाइल वहां पे मौजूद होते हैं, हार्ड डिस्क में नहीं होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क में जो भी फाइल आप सेव करते हो वो स्टोर होता है, टास्क बार में एप्लीकेशन स्टोर होते हैं, राइट हैंड साइड में सिस्टम वॉच होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन या विंडो बटन होता है जहां से आप प्रोग्राम के लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हो। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि रिसाइकल बिन एक ऑप्शन दिया गया है, तो सही ऑप्शन होगा रिसाइकल बिन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या वो एक प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वो एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कोई नहीं है। सो विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ प्राइवेट, नॉट अ विंडोज, इट्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मुफ्त में अवेलेबल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, उसी कारण से इसको ओपन सोर्स बताया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, सो लिनक्स इज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो वी नीड टू फाइंड विच इज द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वो विंडोज है, क्या वो मैक है, क्या वो एमएस डॉस है, या इनमें से कोई नहीं है। विंडोज इज अ मल्टी यूजर, मैक इज अ मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, विंडोज एंड मैक, वेयर एज द डॉस इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम बट इट्स नॉट अ मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हेंस द एमएस डॉस इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, हमें पता करना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, क्या वो कीबोर्ड है, क्या वो माउस है, क्या वो लाइट पेन है, क्या वो वीडीयू है। कीबोर्ड इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, माउस भी इनपुट देने के लिए, जैसे मैं अभी कर्सर मूवमेंट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कीबोर्ड के पास मेरा माउस का पॉइंटर है, तो इसको मूव कर रहा हूं, यानी कि मैं इनपुट दे रहा हूं, तो ये माउस के जरिए दे सकता हूं। कोई नाम टाइप करना है तो कीबोर्ड इस्तेमाल करता हूं, अगर से मुझे सिग्नेचर करना है, ड्राइंग करना है, तो लाइट पेन का भी मैं प्रयोग कर सकता हूं, मगर वीडीयू जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो स्क्रीन अभी आप फिलहाल आपके डिवाइस के ऊपर देख रहे हो, वो जो स्क्रीन आप देख रहे हो वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, यानी वो एक आउटपुट डिवाइस जिसके जरिए आप फिलहाल ये स्क्रीन देख पा रहे हो, ये सवाल देख पा रहे हो। तो वीडीयू, whatever the question you are seeing on your device using your device screen, that screen is made up of VDU, that is called VDU, visual display unit, so right option is option D, that is VDU. Question number 22, which of the following is an input device, kaun sa input device hai inme se, kya wo plotter hai, kya wo printer hai, kya wo VDU hai, kya wo mouse hai। वीडियो तो अभी देखा है, वीडियो इज नॉट द राइट ऑप्शन, राइट नाउ वी हैव सीन दैट इज द आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इन अ हार्ड कॉपी,
वी यूज द प्रिंटर एंड एज वेल एज द प्लॉटर इज ऑल्सो राइट. सो प्लॉटर प्रिंटर एंड वीडियो आर द आउटपुट डिवाइसेस वेयर एज द माउस इज ओनली द इनपुट डिवाइस. हेंस द ऑप्शन डी इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू अ गीगाबाइट. इनमें से कौन सा गीगाबाइट के समान होगा, यानी कितने बिट या बाइट्स मिलाने पर गीगाबाइट बनता है. 1024 बाइट का एक गीगाबाइट बनता है, क्या 512 जीबी का गीगाबाइट बनता है, 1024 गीगाबाइट सॉरी मेगाबाइट का गीगाबाइट बनता है या 1024 बिट्स का गीगाबाइट बनता है. तो देखा जाए 1024 बाइट्स इज नॉट इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट बिकॉज इट इज 1 केबी एंड 512 जीबी. जीबी स्टैंड फॉर गीगाबाइट. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट राइट बट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज 1024 गीगाबाइट्स आर देयर. सो 1024 गीगाबाइट्स इक्वल्स सॉरी मेगाबाइट्स इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट वेयर एज 1024 बिट्स इज नॉट इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Question number 24. What is the full form of RAM? So it's a very easy question. RAM. RAM का full form क्या है? क्या वो remote access memory है? क्या वो random access memory है? क्या वो दोबारा से हमने remote access दिया हुआ है? दूसरा नाम भी आ सकता है. Similar kind of name you can get it. None of these. इनमें से कोई नहीं है. तो random access memory सही जवाब होगा इसका. तो random access memory. The option number B is the right option. So RAM and ROM are the two classifications in the primary memory. So in the primary memory, RAM, random access memory, ROM, read-only memory. Question number 25. Choose the correct option related to Android. Android से संबंधित सही option का चुनाव कीजिए. क्या वो Android एक web browser है? क्या Android एक operating system है? क्या Android एक web server है? या इनमें से कोई नहीं है? So, related to Android, whether Android is a browser or is it operating system or is it web browser. So, web browser is not, Android is not a web browser and not even a web server. So, Android is used in all the smartphones nowadays. We are using all the Android operated smartphones. So, Android operates our smartphones. So, Android is an operating system. So Android is an operating system, hence option B is the right answer for this question. Next 26th question, the full form of APK is, APK ka full form kya hai? Android page kit hai, ya Android phone kit hai, Android package kit hai, ya Android photo kit hai. Jab Android ka koi bhi application hum istamal karte hai, to Android phones mein APK file aata hai. Kya wo APK file ka एब्रिवेशन जो है, क्या वो पेज किट कहलाएगा, फोन किट कहलाएगा, पैकेज किट कहलाएगा या फोटो किट कहलाएगा. द राइट ऑप्शन इज पैकेज किट. ऑप्शन सी एंड्रॉइड पैकेज किट इज द राइट ऑप्शन फॉर एपीके. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर. इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे बड़ा, बहुत ही तेज और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है. क्या वो पर्सनल कंप्यूटर है, क्या वो सुपर कंप्यूटर है, क्या वो लैपटॉप है, क्या वो नोटबुक है. लैपटॉप, नोटबुक और पर्सनल कंप्यूटर्स, इनके कॉस्ट ज्यादा तो नहीं होते हैं, कम ही होते हैं. तो मोस्ट एक्सपेंसिव तो हो गए नहीं. कंपेयर करेंगे सुपर कंप्यूटर को तो उतना फास्ट नहीं होगा सुपर कंप्यूटर से फास्ट. ना ही पर्सनल होगा, लैपटॉप होगा, ना ही नोटबुक होगा, और ना ही ये तीनों बड़े हैं सुपर कंप्यूटर को कंपेयर करेंगे तो. तो सुपर कंप्यूटर बड़ा भी होता है, बहुत ही फास्ट काम करता है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है. सो द सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर. सो देयरफॉर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुपर कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. फंक्शंस ऑफ सीपीयू. सो सीपीयू के फंक्शंस क्या है, क्या काम करता है वो. कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना. टू स्टोर द डेटा इन एन इंस्टेंस, किसी भी इंस्टेंट में डेटा को स्टोर करना.
रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड गिविंग ऑर्डर, तो इंस्ट्रक्शन को रीड करना और ऑर्डर्स देने का काम, या ये सारे काम देखा जाए तो फंक्शंस ऑफ सीपीयू में सीपीयू ये सारे ही काम करता है। तो सीपीयू परफॉर्म्स ऑल दीज अबाउट थ्री वर्क, कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरिंग द डेटा इन इन एन इंस्टेंट एंड रीडिंग द इंस्ट्रक्शन एंड गिविंग द ऑर्डर। सो ऑल दीज थ्री फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू, हेंस द ऑप्शन डी इज द राइट वन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज इट सीपीयू और इज इट कीबोर्ड और इज इट डिस्क और इज इट प्रिंटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर, ये उतने इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है जितना कि सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, हेंस द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर गोज टू, पहली बार जो पर्सनल कंप्यूटर बनाया बनाया गया था किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? आईबीएम के द्वारा, एचसीएल के द्वारा, डीसी के द्वारा या एचपी कंपनी के द्वारा? द क्रेडिट गोज टू आईबीएम कंप्यूटर, सो आईबीएम हैज डेवलप्ड द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, सो हेंस द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज एमसीक्यू क्वेश्चन, सो काइंडली कमेंट ऑन माई चैनल फॉर दीज एमसीक्यूज। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियोज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।